हे माय टीबियंस की हालचाल, वेलकम बैक। तो दोस्तों, धीरे धीरे अब समर अपने पीक पर आने वाली है और ऐसे में आपके बच्चों के एग्जाम भी फिनिश हो रहे होंगे और फैमिली के साथ आप ट्रैवल करने के बारे में प्लान भी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक टूरिस्ट प्लेस ऐसा है जो नॉर्थ इंडिया में सबसे फेमस है, वो है हिमाचल। हिमाचल की अगर हम बात करें तो सबसे फेमस हिल स्टेशन में मनाली है, शिमला है, डलहौजी है और धर्मशाला है। वाईटी भारत पर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब मैं अपने Q&A सीरीज में देता हूं। तो आज के इस वीडियो में आपको दो तीन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद लास्ट में आपको 15 अप्रैल 2022 से लेकर के 15 जुलाई 2022 तक का एक ऐसा ट्रैवल पैकेज बताया जाएगा जो मार्केट में सबसे चीपेस्ट रेट्स पर और सबसे बेस्ट सर्विसेज में से एक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इस टूर पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए जानकारी हासिल कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो इस पैकेज को आप बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपका लेने जा रहा हूं कि अगर कोई समर्स के अंदर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है, खास करके मनाली में, तो क्या वहां पर पैकेजेस के दाम समर्स में इंक्रीज हो जाते हैं? ऐसा सवाल मेरे कुछ व्यूअर्स ने किया था, क्योंकि जब वो ट्रैवल के बारे में कहीं ना कहीं इंक्वायरी कर रहे हैं तो उनको नॉर्मल सीजन से अब के सीजन में फर्क दिख रहा है रेट्स के अंदर, इसलिए उनकी कटी सी थी। तो मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। दोस्तों, 15 अप्रैल से पहले के जो रेट्स होते हैं वो नॉन सीजन में होते हैं और 15 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक कुछ हमारे जो ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवल कंपनियां हैं, वो उसको आपका सीजन मानते हैं। उसके बाद 15 जुलाई 31 जुलाई के बाद नॉन सीजन हो जाता है, रेट्स फिर से डाउन हो जाते हैं। लेकिन अभी सवाल ये हो रहा है कि 15 अप्रैल से लेकर के और 15 जुलाई तक के बीच में जो सीजन होता है, क्या उसके रेट ज़्यादा होते हैं? हाँ दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें तो कम से कम 5,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये तक एक पैकेज पर जो एक कपल का होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं और आपके बच्चों के एग्जाम फिनिश हो गए हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप मनाली जैसे हिल स्टेशनों पर सफ़र कर लीजिए, ट्रैवल प्लान कर लीजिए और ट्रैवल प्लान की आइटनरी के लिए वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर YT भारत के आपको सपोर्ट करेंगे। अगर पैकेज नहीं भी बुक कराना है तो एक बार जानकारी जरूर हासिल कर लें ताकि आप कंपेयर कर पाएं अदर ट्रैवल कंपनी से और अच्छा लगे तो आप इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूं कि YT भारत कभी भी किसी भी ट्रैवल कंपनी से कमीशन बेसिस पर उसको प्रमोट नहीं करता है। नॉन कमीशन बेसिस पर YT भारत अपनी राय देता है। बाकी जो भी आपको ट्रैवल कंपनी अच्छे लगे, ट्रस्टेबल हो, आप उससे बुकिंग ले सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं, स्नो कब तक मिलेगी? ऐसा बहुत लोग सवाल कर रहे थे। दोस्तों, YT भारत पर मेरा स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो आते रहते हैं, आप उनको देख सकते हैं। मार्च का स्नोफॉल प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं 31 मार्च 2022 तक का, आप जा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाइए और उस स्नोफॉल प्रेडिक्शन को देख लीजिए कि मनाली में कब स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको कम से कम 31 मार्च 2022 तक आपको सोलांग के अंदर, अटल टनल के साउथ पोर्टल, खोक्सर के अंदर, सिस्सू के अंदर बहुत अच्छी स्नोफॉल गिरी हुई देखने को आ सकती है। और सोलांग क्योंकि आपके टूर में इंक्लूडेड होता है खास करके, या अटल टनल भी आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट बेसिस पर, तो आपको वहां पर स्नो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लाइव नहीं मिलेगी लेकिन गिरती हुई आपको जरूर मिलेगी, वहां पे गिरी हुई मिलेगी। स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं सोलांग के अंदर जो इस पैकेज में इंक्लूडेड होता है, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं। अब आ रहा है सबसे अच्छा मौसम कौन सा है अगर वो हिमाचल के मनाली, शिमला ऐसे स्थानों पर जाते हैं। तो सबसे बेस्ट मौसम तो डिवाइड आप कर सकते हैं, अगर आप स्नो के दीवाने हैं तो आप जाइए दिसंबर से लेकर के मार्च के महीनों में, और अगर आप बिना स्नो के जाना चाहते हैं, आपके साथ छोटे बच्चे हैं या कोई ओल्ड एज पर्सन आपके साथ हैं, हमारे वृद्ध लोग आपके साथ जा रहे हैं, तो उनके लिए तो
आपका अच्छा सीजन होता है, मई में आप जा सकते हैं, अप्रैल में जा सकते हैं, जून में जा सकते हैं, तो अप्रैल से लेकर के जून तक बहुत अच्छा सीजन होता है। लेकिन 15 अप्रैल से पहले अगर आप चले जाएंगे तो आपके रेट्स में 5 से 6 हजार रुपए आप सिक्योर कर सकते हैं। देर ना करें, जल्दी से जल्दी जानकारी हासिल करके पैकेज बुक करवा लें, नहीं तो पछतावा ही रह जाएगा, रेट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप समर वोकेशन में ही आपको टाइम मिलता है, बच्चों के साथ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स हैं, तो आप जा सकते हैं समर्स में। आप अप्रैल में जा सकते हैं, मई में जा सकते हैं, जून में जा सकते हैं, 15 जुलाई तक भी जा सकते हैं। आप इजी यहां पर घूम सकते हैं। और स्नो अगर देखनी है तो उस टाइम आपको खोखसर जाना होगा, गिरी हुई स्नो आपको देखने को मिलेगी, सिसु जाना होगा, ऐसी जगहों पर आप स्नो का एंजॉय कर सकते हैं। और रोहतांग पास जब ओपन हो जाएगा तो वहां तो आपको स्नो मिलेगी ही मिलेगी, कई बार लाइव भी मिल जाती है क्योंकि रोहतांग पर बहुत टेम्परेचर डाउन होता है, नहीं तो गिरी हुई तो आपको मिलती ही मिलती है। लास्ट ईयर के भी अगर आप मेरे वीडियो देखें तो उसे मैंने सारी जानकारी दी थी। अब बात आ जाती है टूर पैकेज के बारे में, तो मैं आपको ये टूर पैकेज बताने वाला हूँ YT भारत पर। तो ये 5 नाइट 6 डेज का ये टूर पैकेज होने वाला है, जिसके अंदर आप लोग day 1 पर दिल्ली या चंडीगढ़ से निकलेंगे। कम से कम 540 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता होता है जो आपका दिल्ली से स्टार्ट होता है। आप मजनू का टीला से बस ले सकते हैं, बस के टाइमिंग 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और रात के लेट तक चलते हैं, लगभग 10 बजे तक भी आप बस पिकअप कर सकते हैं। मजनू का टीला से पिकअप पॉइंट होता है, कुछ को ट्रैवल कंपनी आपके आरके आश्रम से देती हैं, कुछ दिल्ली के विधानसभा से देती हैं जो ओल्ड विधानसभा है, यहाँ से पिकअप पॉइंट होता है, वहाँ से पिकअप लेकर के आप निकलेंगे और चंडीगढ़ होते हुए, मंडी होते हुए, कुल्लू होते हुए आप मनाली पहुँच जाएंगे। लगभग 12 घंटे का टाइम लगता है और अगर आपकी स्नोफॉल हो रही हो, स्नो पड़ रही हो, तो ये टाइम आपका 15 से 18 घंटे भी हो सकता है। लेकिन अभी समर्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है तो आप 11 से 12 घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे। मनाली पहुंचने के बाद आपके इस ट्रैवल पैकेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिकअप एंड ड्रॉप मिलेगी मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड से। आपको बस करना क्या होगा, जब आप अपने टूर पैकेज को बुक कराइए तो ट्रांसपोर्टर का आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस ट्रांसपोर्टर के नंबर पर आप कॉल करें। जब आप मंडी पहुंच जाएं, उनको बताएं कि आप मंडी पहुंच चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपके ड्राइवर को मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड पर आप तक पहुंचा देगा। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, उसे कोऑर्डिनेट करके आप बैठिए गाड़ी के अंदर और बैठ करके वो आपको ड्रॉप कर देगा होटल में। ये आपका day 2 है और day 2 पर उसके बाद आप चेक इन करिए, थोड़ी देर आराम करिए और 3 बजे के आसपास आपका लोकल साइट सींग स्टार्ट हो जाएगा। लोकल साइट सींग में जो आपके 3 घंटे की होती है, आप मनाली के माल रोड से लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस घूमते हैं। आप जाते हैं हिडिम्बा देवी टेम्पल, आप जा सकते हैं मनु टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल, इसमें से एक आध जगह कम भी हो सकती है, क्लब हाउस, वन विहार, ऐसे जगह हैं कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस बन रही हैं। अब दोस्तों आपका day 3 आ जाता है। day 3 पर आप जाएंगे सबसे खूबसूरत जगह पर, जिसका नाम है सोलांग वैली। सोलांग वैली day 3 में कवर होता है, फुल डे का सफ़र होता है। इस दिन आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, रेडी हो जाइए, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ड्राइवर आपको कॉल करेगा, कॉल करके आप कोऑर्डिनेट करिए और उसके बाद गाड़ी में बैठ करके हद से हद 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रेडी हो जाइए। उसके बाद आप निकल जाइए सोलांग वैली, 15 किलोमीटर दूर है मनाली के माल रोड से। रास्ता बहुत ही गजब का है, अगर स्नो के दिनों में जा रहे हैं आप तो यूरोप भी आप भूल जाएंगे, ऐसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है। चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो होती है, स्नो कैप माउंटेन होते हैं, रास्ता बहुत ज़बरदस्त होता है। और आप उसके बाद सोलांग वैली पहुँच करके आप वहाँ पे अपनी ऑन कॉस्ट पे स्नो एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, स्नो स्कूटर कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, टायर राइड कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक रोप वे है, अगर ऑपरेशनल होगा तो आप रोप वे भी अपनी ऑन कॉस्ट पे कर सकते हैं। फोटोग्राफ कराने की अगर बात करें तो वहाँ पे फोटोग्राफ 50 से 100 रुपये में आप क्लिक करवा सकते हैं। खाने के लिए सारी सुविधाएं हैं, मैगी से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें मिलती हैं, स्नैक्स मिलते हैं, आप आराम से वहाँ पर अपना दिन बिता सकते हैं। उसके बाद जो आपका day 4 होगा, उस दिन आप जाएंगे कुल्लू और मणिकरण। कुल्लू की बात करें तो मनाली के माल रोड से 45 किलोमीटर है और मणिकरण आपका 80 से 85 किलोमीटर दूर है। पूरे दिन का सफ़र होगा, ड्राइवर आपको सुबह सुबह पिकअप करेगा आपके ब्रेकफास्ट के बाद। उसके बाद आप कुल्लू पहुंचिए, कुल्लू रास्ते में आप कुछ जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेट करके। उसके बाद आप पहुंचेंगे मणिकरण। मणिकरण में पहुंचने के बाद अगर आप चाहते हैं तो इंडिया के सबसे हॉट सल्फर स्प्रिंग वाटर के पूल में
आप वहाँ पे स्नान करिए, उसके बाद बाबा जी का दर्शन करिए, लंगर प्रसाद जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसको आप खाइए, खाने के बाद आप वापस गाड़ी में बैठिए और वापस अपने होटल पहुँचिए मनाली के अंदर। दोस्तों मनाली के होटल में पहुँच करके आप डिनर करिए, आराम करिए, उसके बाद आपका आ जाता है डे फाइव पर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लीजिए, सामान को सारे पैक रखिए और पैक रखने के बाद आप निकल जाइए लगभग 10 बजे के आसपास मनाली के माल रोड अपनी ऑन कॉस्ट पे आप जा सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर कुछ शॉपिंग करिए, आसपास की जगहों पर एक्सप्लोर करिए। अगर लोकल में बात करूँ आपकी तो खाने लायक क्या क्या चीज़ें, मोमोज हैं वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे आपको रसगुल्ला मिलेंगे वहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। कुछ फैमिली फ्रेंड्स के लिए वहाँ पर वुडन पर इम्प्रिंट होता है, नाम आप प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। बच्चों के अगर टॉयज के बारे में बात करें तो दिल्ली के कंपेयर में रेट्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, लेकिन बनता है ना यार कहीं हिल स्टेशन पे जाओ तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर के आओ या फैमिली फ्रेंड्स के लिए लेकर के जाओ। इसके बाद डे फाइव पर आप लगभग 3 बजे के आसपास अपने होटल में आ जाइए, सामान को लीजिए, उसके बाद आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री था ड्रॉप, वहां पर ड्राइवर आपका आएगा और आपको ड्रॉप कर देगा मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड तक। वहां पर आपको अपनी बस का नंबर पता ही होगा, कोऑर्डिनेट करिए अपने ट्रांसपोर्टर के साथ और वापस आप निकल जाइए बैक टू द दिल्ली। दिल्ली फिर से रास्ता लगभग आपका 9 से 10 घंटे के बीच में होता है, सुबह सुबह 6 से 7 या 9 बजे के आसपास आपका ड्रॉप हो जाएगा मजनू का टीला या कश्मीरी गेट, वहाँ पे ड्रॉप ले लीजिए और आगे का जो आपका ट्रैवल है वो आप खुद आपको प्लान करना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको बहुत ज़बरदस्त और अच्छी लग रही होगी, फिर भी कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और इस पैकेज को बुक कराने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। आइए अब इसकी कॉस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक ग्रुप टूर पैकेज है, अगर आप लोग 4 लोगों के ग्रुप में हैं तो 6,900 रुपये पर पर्सन की कॉस्ट है, अगर आप 6 लोगों के ग्रुप में हैं तो आपकी कॉस्ट है 6,600 रुपये पर पर्सन, और अगर 8 लोग हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत कम है 5,900 रुपये पर पर्सन। दोस्तों अगर हम समर टाइम की बात करें तो ये कॉस्ट बहुत ही कम है, अगर किसी भी ट्रैवल कंपनी से आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये ज़्यादा ही मिलेगी। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ट्रैवल कंपनी से संपर्क करिए, YT भारत को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं, क्योंकि इसी तरह से ट्रैवल वीडियोज़ YT भारत पर मैं लगातार आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। YT भारत फेसबुक को फॉलो कर लें, YT भारत इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, www.ytbharat.com पर जाकर के आप ट्रैवल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां एक ही वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों YT भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बने रहिए YT भारत पर, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।